दोस्तों यह है बजाज की पल्सर 150। और दोस्तों इसमें दिक्कत क्या रही है कि एक्सीलेटर नहीं ले रही ठीक से, यानी झटके ले रही बहुत ज़्यादा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, चाबी ऑन करिए, हम स्टार्ट करेंगे, किल स्विच ऑन है। स्टार्ट करने के बाद आपको दिखाऊंगा इसको, फिर इसके सॉल्यूशन बताएंगे। दोस्तों आप देखिए ये पूरी तरह से रेस भी नहीं ले रही और झटके ले रही है और स्टार्टिंग प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा कर रही है। दोस्तों आपको इस बाइक की थोड़ी सी हिस्ट्री बता देते हैं। दोस्तों ये हमने एक मैकेनिक पास गई हुई थी बाइक और ये आई थी दोस्तों स्टार्टिंग प्रॉब्लम लेकर के, तो उन्होंने बताया कि इसमें हम उन्होंने गियर शाफ्ट का काम किया है, गियर शाफ्ट चेंज करी है और सर्विस की है और चैन सेट बदला है दोस्तों, पर ये स्टार्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी, इस वजह से अपने पास आई है। तो इसको चेक करेंगे कि इस प्रॉब्लम क्या निकलती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट और इसी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं। दोस्तों प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए हम इसके सबसे पहले इसका पैनल हटाएंगे, साइड पैनल हटाएंगे, सीट हटाएंगे और टंकी हटाएंगे। तो फटाफट इसको हटाने के बाद फिर आपको बताते हैं आगे का प्रोसीजर, आपको क्या चेक करना है। टंकी पैनल सीट हटाने के बाद सबसे पहले क्या चेक करना है, इसका करंट चेक करेंगे, करंट प्रॉपर तरीके से आ रहा है या नहीं आ रहा। तो चाबी ऑन कर लेते हैं और अब इसको करंट चेक करेंगे। पहले लो दोस्तों देख सकते हैं करंट प्रॉपर आ रहा है, तो यानी करंट से तो कोई दिक्कत नहीं हो रही इसमें। तो इसके बाद क्या चेक करेंगे, कार्बोरेटर चेक करेंगे। दोस्तों पल्सर में सबसे ज़्यादा समस्या आती है कि कार्बोरेटर में पानी चला जाता है, यानी जब वॉशिंग होती है गाड़ी की या बारिश में खड़ी होती है और टंकी में पानी चला जाता है, इसमें सबसे ज़्यादा शिकायत आती है टंकी में पानी जाने की। तो इसमें अगर पानी चेक करेंगे कार्बोरेटर में, पानी तो नहीं है, तो ओवरफ्लो वाला जनरेटर दिख रहा है, इसको लूज़ करके जो इसके ओवरफ्लो वाली पाइप है इसमें सारना चाहिए। तो आपको एक खाली ट्रे ले लेनी है इसे और ये जो स्क्रू ड्राइवर की मदद से आपको ये वाला पेज लूज़ करना है, ये ओवरफ्लो वाला नट होता है, इसका ढीला करेंगे तो इसमें से जो कार्बोरेटर के अंदर पेट्रोल है या पानी जो कुछ भी होगा वो बाहर आ जाएगा। तो इसको इस पाइप को ट्रे में रखें ताकि ये सीधा आ करके सीधे ट्रे में गिरे नीचे और हमें पता लग जाए कि इसमें पानी है या नहीं है। तो फटाफट से खोल लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं पेट्रोल निशान आने लगा है, अब इसमें पानी या पेट्रोल होगा वो पता लग जाएगा। तो दोस्तों ये जब तक खाली करना है जब तक ये अपना पानी पेट्रोल आना बंद ना हो जाए, यानी कार्बोरेटर पूरी तरह से खाली करना है। अगर दोस्तों कार्बोरेटर टंकी लगी हुई हो इसमें तो टंकी का पेट्रोल बंद कर लें, फिर ये सेम प्रोसीजर करना है, पेट्रोल चालू करके नहीं चेक करना है। तो देख सकते हैं पेट्रोल तो अभी आ रहा है, इसी बात चेक करेंगे टैप पेट्रोल में, देखो दोस्तों बंद हो गया है। तो पेट्रोल में चेक करते हैं कहीं इसमें पानी तो नहीं है। दोस्तों आप देख सकते हैं पानी तो ज़रा सा भी नहीं है इसमें, तो ये थोड़ा बहुत कचरा और दिख रहा है, ये हो सकता है ट्रे में पहले से ही पड़ा हो। दोस्तों पानी नहीं है, तो दोस्तों इसमें यानी पानी से तो कोई समस्या नहीं है। तो अब चेक करेंगे इसकी कार्बोरेटर बाहर निकालेंगे, कार्बोरेटर बाहर निकाल चेक करेंगे कहीं इसका जो मेन जेड होता है जो बड़े वाला वो भी जाम हो सकता है, और छोटे वाला होता है छोटे वाला जेड होता है उसमें भी समस्या हो सकती है। तो दोस्तों इसको बाहर निकालेंगे तभी पता लगेगी। तो इसको बाहर निकालते हैं फिर आपको आगे की भी दिखाते हैं क्या करना है। फ्रेंड्स कार्बोरेटर बाहर निकाल लिया है, अब देख सकते हैं कार्बोरेटर बाहर निकाल लिया, इसको खोल के देखते हैं क्या दिक्कत निकलती है। तो फटाफट से इसका सबसे पहले ये नीचे का पोर्शन ये वाला खोलेंगे, इसमें जेड वगैरह चेक करेंगे। दोस्तों कचरा तो इतना नहीं है इसमें, थोड़ा बहुत कचरा है। इसके जेड और खोल लेते हैं दोस्तों। दोस्तों ये होता है मेन जेड इसका, इसको मैं चेक करता हूँ हवा लगा के इसमें कहीं कचरा तो नहीं है। दोस्तों इसमें सार पर दिखना चाहिए, मैंने इसमें हवा लगाई है मुँह से ही, देखो दोस्तों इसमें आर पार आपको दिख रहा होगा, इसमें आर पार है, ये देखिए दोस्तों इसमें आर दिख रहा है यानी ये बिलो जेड, ये तो साफ है दोस्तों बिल्कुल। दोस्तों इसका स्लो जेड और चेक करते हैं, स्लो जेड इसमें लगा हुआ है सामने दिख रहा है, ये स्लो जेड होता है, इसको और बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों मैंने पहले ही ढीला कर लिया था क्योंकि मैं हाथ से का मोबाइल पकड़ रखा है।
ये देखिए दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये आता है स्लो जेट, यानी छोटे वाला जेट होता है जो स्लो जेट में, इसमें चेक करेंगे यार पर दिख रहा है नहीं, तो देख सकते हैं वहाँ पर दिख रहा है दोस्तों। नीचे तो कोई समस्या नहीं निकली इसमें, तो दोस्तों इसका ऊपर वाला पोर्शन और खोल लेते हैं, इसका ये वाला इसमें और चेक कर लेते हैं। तो फटाफट इसको बाहर खोलने के बाद आपको दिखाते हैं, इसके अंदर बटरफ्लाई होती है एक, वो और चेक करेंगे इसकी। फ्रेंड्स समस्या इसी में निकली है, ऊपर वाला बहुत ही मुश्किल से बाहर निकला है, इसको स्लाइड पिस्टन होता है, या फिर इसकी कंडीशन देख सकते हैं दोस्तों, इस तरफ से सारा घिस गया है, जिस वजह से इसमें ये फंसा हुआ है दोस्तों। मैंने बहुत ही मुश्किल से निकाला है, पेच के बड़े वाले पेच की मदद से निकाला है, ये देखो आप देख सकते हैं नीचे भी निशान पड़ गए हैं, जिसके अंदर फंसा हुआ था अच्छी तरह से। और दोस्तों मिसिंग और रेस न लेने के कारण दोस्तों यही था, ये देखो दोस्तों ये क्या हाल हो रखा है इसका। और देखो कारोटर में निकालने में कारोटर के अंदर भी निशान पड़ गए हैं, ये देखो ये बहुत ही मुश्किल से निकाला है, इसके अंदर फंसा हुआ था पिस्टन ये। तो दोस्तों कारोटर तो लगभग ये ख़राब ही हो चुका है, फिर भी इसकी स्लाइड दूसरी डाल के चेक करेंगे, मान लो कोई दूसरी इस पुरानी कोई मिल जाती है तो पुरानी डाल के चेक करेंगे, अगर कामयाब हो जाता है तो, नहीं तो फिर इसके कार्बोरेटर नया डलवाएंगे। तो फटाफट दोस्तों इसका नया ढूंढते हैं। दोस्तों इसका कार्बोरेटर ये फिट नहीं कर रहे हैं, इसको तो वापस बंद कर दिया है जो इसका ख़राब पिस्टन था। बाहर दिखाते हैं कि स्लाइड में दिखाते हैं मेरे, देखो दोस्तों स्लाइड अंदर से, ये स्लाइड अंदर से कटी हुई थी इसकी, देखो अंदर दिख रही है दोस्तों। इसका पता नहीं नेट कार्बोरेटर लिख रहा है, ये अपाची का कार्बोरेटर है, अपाची 160 और 180 में ये कार्बोरेटर है दोस्तों, ये एक पुराना कार्बोरेटर है, ये इसको सेट कर देखेंगे, इसी को लगाएंगे दोस्तों। ये कार्बोरेटर सेट नहीं हो पाएगा, ये ख़राब हो गया है, तो सेकंड कार्बोरेटर डाल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि नया बहुत महंगा मिल रहा है और कस्टमर का बजट नहीं है इतना, तो इसी को फिट करके फिर दिखाएंगे कंडीशन, यानी हमारी गाड़ी की सेट हो पाती है यानी इस वाले कार्बोरेटर में अपाची के। दोस्तों फटाफट इसको फिट कर लेते हैं फिर दिखाते हैं आप। दोस्तों कार्बोरेटर फिट कर दिया है अपाची का ही, अपा पल्सर में, अब स्टार्ट करके चेक करते हैं इसको, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया यानी ये सेट हो जाता होएगा या नहीं, ये देखेंगे अब किक लगा करके, चाबी ऑन कर लिए, अब इसको किक लगा के चेक करते हैं। देख सकते हैं बिल्कुल ये कार्बोरेटर सेट हो गया है, आरपीएम में देख सकते हैं बिल्कुल स्टेबल है, ये देखो। तो दोस्तों ये टाइम चेंज की आवाज़ है, ये बाद में ठीक करेंगे इसको, बाकी कार्बोरेटर सेट हो गया है बिल्कुल अपाची का। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।